हेलो स्टूडेंट, मोहिनी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज अपने बीए फर्स्ट ईयर में देखेंगे हेडिंग टैग और हॉरिजॉन्टल रो टैग कैसे काम करते हैं एचटीएमएल के अंदर। एचटीएमएल लैंग्वेज में इन दो टैग का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है और ये क्या काम आते हैं अपने, आज इसको ये देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हेडिंग टैग की। हेडिंग टैग एक ऐसा टैग है जो आपके प्रोग्राम में या आपके वेब पेज पे किसी हेडिंग को प्रदर्शित करने के लिए इसका यूज किया जाता है। इसमें आपको कुल 6 टैग मिलेंगे। इसमें H1 से H6 तक ये होता है। H1 का साइज सबसे बड़ा होता है और H6 का साइज सबसे छोटा होगा। इसके अंदर जो हेडिंग का साइज होगा, फॉन्ट का साइज, वो H1 का सबसे बड़ा होगा और H6 का फॉन्ट का साइज सबसे कम होगा। और ये जो टैग है एक एट्रीब्यूट सकता है जिसका नाम क्या है, अलाइन। अलाइन में आपको राइट, लेफ्ट, सेंटर और जस्टिफाई, ये आपको 4 इसके वैल्यू मिलेगी। जो इसका बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है इस एट्रीब्यूट्स का, वो होता है लेफ्ट। इसका बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है आपकी, लेफ्ट होती है। लेकिन आप इसके एट्रीब्यूट्स का प्रयोग करके आप इसको राइट, सेंटर या जस्टिफाई भी कर सकते हैं। तो अपने आज इसका प्रोग्राम बनाएंगे हेडिंग टैग का, और उसके बाद बात करते हैं अपने हॉरिजॉन्टल रो की। हॉरिजॉन्टल रो एक ऐसा टैग है जो आपके वेब पेज पे एक लाइन यानी एक हॉरिजॉन्टल रो बनाने के काम में आती है। हॉरिजॉन्टल रो कई एट्रीब्यूट सकती है, जिसमें आपका है साइज, जो क्या करता है कि आपके जो रो की मोटाई बताएगा। फिर है आपका विड्थ, जो आपके रो की चौड़ाई बताएगा। तीसरा है आपका अलाइन, जो क्या करेगा आपके रो का अलाइनमेंट बताएगा। इसमें आपको लेफ्ट, राइट और सेंटर 3 अलाइनमेंट मिलेंगे इसके अंदर आपको। फिर इसका नेक्स्ट एट्रीब्यूट है आपका नो सेड। नो सेड में आपको, आप चाहते हो कि आपका जो क्या नाम, जो रो का पीछे कोई शेडो बने तो आप वो बना सकते हैं, तो वो हो सकता है। फिर उसके बाद में इसका एक एट्रीब्यूट है, उसका नाम है कलर, जिससे आप अपने रो का कलर भी निश्चित कर सकते हैं कि आपके रो का जो कलर किस प्रकार का होना चाहिए, जो आपके लाइन का कलर किस प्रकार का होना चाहिए, आप वो निश्चित कर सकते हैं। तो आज अपने इन दोनों को मिला के एक प्रोग्राम बनाते हैं, वो प्रोग्राम किस प्रकार से बनता है देखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे अपने HTML, ये बताता है कि ये प्रोग्राम HTML का है। फिर हेड में चाहो तो आप कुछ लिख सकते हो, अगर नहीं लिखते हो तो भी आप उसको एक बंद कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे बंद कर दिया। मान लीजिए आप चाहो तो आप कुछ लिख सकते हो इसकी, आप वेब पेज के हेडिंग के लिए। फिर आपका टाइटल, ये क्या करता है कि आपके इस टाइटल टैग में आप जो भी लिखोगे वो आपके वेब ब्राउजर के टाइटल बार में दिखाई देगा। इसे मान लीजिए मैं लिख दिया डेमो और मैंने टाइटल टैग को बंद कर दिया। अब आप लिखते हैं, ये आपका हेड सेक्शन हो गया एचटीएमएल प्रोग्राम का। अब आप लिखते हैं एचटीएमएल प्रोग्राम का बॉडी सेक्शन, जो आपके बॉडी टैग से शुरू हो रहा है। आप चाहो तो उसके एट्रीब्यूट्स का प्रयोग कर सकते हो, लेकिन मैं अभी क्या कर रहा हूँ, केवल हेडिंग टैग और हॉरिजॉन्टल रो टैग के बारे में बात करेंगे अपने आज। सबसे पहले मैं लिखता हूँ H1, मैंने क्या लिखा H1। H1 में जो उसका जो साइज होगा, H1 में मैं जो भी लिखूंगा उसका साइज क्या होगा, इसका फोन का साइज सबसे बड़ा होगा। तो मैंने लिख दिया मान लीजिए कीबोर्ड और मैंने H1 को मैंने बंद कर दिया। मुझे लिखता हूं मैं H2, इसमें लिखता हूं मैं एट्रीब्यूट से प्रयोग कर रहा हूं अलाइन। मैंने दिया मान लीजिए राइट और मैंने लिख दिया मान लीजिए माउस और मैंने H2 टैग को बंद कर दिया। फिर है आपका H3, इसमें मैं लिख रहा हूं अलाइन बराबर मेरे सेंटर और मैंने लिख दिया मान लीजिए जॉयस्टिक और मैंने H3 को मैंने बंद कर दिया। फिर लिख दिया मैंने H4 में अलाइन में जस्टिफाई और इसमें मैंने लिख दिया ओ मार और मैंने H4 को मैंने
बंद कर दिया। इस समय एक्स फाइव जवाब में काम लेता हूं, मान लीजिए राइट राइट अलाइनमेंट ले लिया और उसमें लिख दिया मान लीजिए मैंने ओ सी आर और मैंने एच फाइव को मैंने बंद कर दिया और एच सिक्स में मैंने कुछ नहीं लिखा तो बाय डिफॉल्ट साइज क्या हो जाएगा इसका लेफ्ट ही रहेगा और मैंने इसमें लिख दीजिए मान लो एम आई सी आर और आपका मैंने एच सिक्स इसमें बंद कर दिया। तो ये तो आपका हो गया हेडिंग टैग। हेडिंग टैग में मैंने क्या लिखा एच वन जो जिसका साइज क्या होगा सबसे बड़ा होगा फोन का साइज, उसमें मैंने क्या लिखा कीबोर्ड और इसमें मैंने कोई भी एट्रीब्यूट्स का प्रयोग नहीं किया है तो उसका जो अलाइनमेंट होगा वो बाय डिफॉल्ट क्या होगा लेफ्ट साइड में होगा यानी स्क्रीन के लेफ्ट साइड में ही आएगा। फिर एस टू में लिखा है अलाइन की जो एट्रीब्यूट्स का प्रयोग किया है उसमें मैंने क्या दिया है राइट, तो आपके ये स्क्रीन के राइट हिस्से में जाएगा। फिर एस थ्री में लिखा है मैंने सेंटर, ये आपके स्क्रीन के सेंटर में आएगा। एस फोर में लिखा जस्टिफाई, जस्टिफाई में क्या करेगा ये अपने हिसाब से निश्चित कर देता है अलाइनमेंट, तो आपका क्या हो जाएगा जस्टिफाई हो गया। एच फाइव में मैंने दोबारा मैं क्या दिया राइट, तो आपका जो ये ओ सी आर लिखा हुआ है वो आपके स्क्रीन के राइट साइड में जाएगा। एच सिक्स में मैंने लिखा है एम आई सी आर जिसमें मैंने कोई एट्रीब्यूट्स का प्रयोग नहीं किया है, आप चाहो तो लेफ्ट लिख सकते हो, तो आपका क्या आएगा वो लेफ्ट साइड के स्क्रीन के लेफ्ट साइड में आपका ये एम आई सी आर लिखा हुआ आएगा। तो ये तो था आपका एच वन सॉरी हेडिंग टैग। अब मैं सिक्स में क्या कर रहा हूँ उसी प्रोग्राम में एच आर टैग यानी हॉरिजॉन्टल रो टैग का भी प्रयोग कर रहा हूँ, तो मैं इसके आगे यहाँ लिखता हूँ। मैंने लिखा सबसे पहले एच आर। एक बात और कि जैसे ये आपका हेडिंग टैग आपका क्या कंटेनर प्रकार का टैग है, इसको ओपनिंग और क्लोजिंग टैग दोनों की आवश्यकता थी, लेकिन एच आर टैग है आपका जो आपका एमपीटी प्रकार का टैग है इसको क्लोजिंग टैग की आवश्यकता नहीं होती है। तो मैंने क्या लिखा सिंपल सा एच आर लिख दिया। मैं काम करता हूँ यहाँ पर मैं एक बी आर लिख देता हूँ यानी ब्रेक रो, इससे क्या होगा ये नई लाइन से आपकी ओरिजिनल रो या जो आपकी रो बनेगी आपकी क्या बनेगी नई लाइन से आपकी आ जाएगी। अब मैं क्या लिखता हूँ मैंने एक एच आर लिख दिया सिंपल सा मैंने एच आर लिखा है, तो ये क्या करेगा एक लाइन बनाएगा पूरी स्क्रीन के ऊपर, कुछ मैंने इसे कोई भी एट्रीब्यूट्स का प्रयोग नहीं किया है, तो ये क्या करेगा कि आपके स्क्रीन पे एक लाइन बना देगा जो आपके लेफ्ट साइड से शुरू होगी। अब मैं क्या करता हूँ एक मैं सब लिखता हूँ जैसे मैंने को लिख दिया एस टी एम एल लिख दिया, मान लीजिए मैंने क्या लिख दिया एक सब लिख दिया एस टी एम एल। अब मैं इसके बाद दोबारा लिखता हूँ एच आर। अब मैं क्या करता हूँ कि इसके दो एट्रीब्यूट्स का प्रयोग करता हूँ इसके अंदर, एक करता हूँ साइज बराबर 30, तो 30 क्या है 30 पिक्सल्स है, कितना है पिक्सल, तो 30 पिक्सल के हिसाब से इसका साइज होगा। और दूसरा मैं इसका क्या नाम है एट्रीब्यूट प्रयोग लिखता हूँ वो है विड्थ, विड्थ बराबर लिख दिया मैंने मान लीजिए 30 भी लिखी मैंने मान लीजिए, तो आपकी 30 होगी। तो अब जो दूसरी लाइन बनेगी उसका जो साइज कितना होगा 30 का होगा और विड्थ भी कितनी होगी आपकी 30 होगी। इसमें मैंने कुछ नहीं दिया है तो उसका जो बाय डिफॉल्ट साइज होता है वो आपका जो लेफ्ट से राइट की तरफ होता है और ये इसका जो बाय डिफॉल्ट साइज होता है इसका साइज एच आर का वो होता है 10 पिक्सल का होता है, तो आपका 10 पिक्सल से वो बनेगा, लेकिन इसमें मैंने कितना दिया 30 पिक्सल दिया, तो आपका ये क्या 30 पिक्सल जितनी मोटी आपकी ये बनेगी लाइन। अब मैं एक शब्द और लिख देता हूँ जिसे लिख दिया मान लीजिए मैंने सी लैंग्वेज। अब मैं इसके बाद लिखता हूँ एच आर टैग और लिखता हूँ एच आर। अब इसमें मैं इसका दो टैग और सॉरी दो एट्रीब्यूट्स और प्रयोग में लूंगा, इसलिए लीजिए मान लो मैंने नो सेड यानी सेड आपकी शेड आपका नहीं बनेगा, तो ये नो सेड हो गया आपका। और उसके साथ में मैं काम लेता हूँ अलाइन, अलाइन मैंने लिख दिया मान लीजिए सेंटर, तो आपकी जो लाइन बनेगी वो आपकी कहाँ बनेगी सेंटर में बनेगी, कहाँ बनेगी आपकी ये सेंटर में बनेगी। तो मैंने इसके चारों एट्रीब्यूट साइज विड्थ नो सेड और अलाइन मैंने इसके यूज में ले लिए। हाँ एक जो अपना बाकी रहेगा कलर, तो मैं इसको यही यूज कर लेता हूँ आगे एक कलर, कलर बार लिख दिया मान लीजिए मैंने रेड, तो आपकी जो लाइन का कलर होगा वो कैसा होगा रेड कलर का होगा और इसमें जो लाइन बनेगी आपकी ब्लैक होगी और इसमें भी आपकी क्या होगी ब्लैक होगी, लेकिन जो आपकी जो तीसरी रो बनेगी लाइन बनेगी वो किस कलर की होगी आपकी रेड कलर की होगी। तो ये आपके तीनों जो आप मैंने इसको तीन रो बनाई है जो अलग अलग मैंने इसमें लिखा है और इनके बीच में क्या ये शब्द लिखे हुए आएंगे। तो ये अब लास्ट में क्या आपका
बॉडी टैग बंद हो जाएगा और आपका HTML टैग बंद हो जाएगा। तो ये प्रोग्राम था जिसमें मैंने एक हेडिंग टैग और हॉरिजॉन्टल रो टैग का मैंने प्रयोग किया है। हेडिंग टैग क्या करता है कि आपके प्रोग्राम की हेडिंग देने के काम आएगा। इसमें जो H1 है, ये H1 से ये कितना कहां तक होता है आपका H6 तक इसका यूज हो सकता है। आप चाहो तो सभी का यूज कर सकते हो, आप चाहो तो किसी एक का यूज कर सकते हो या किसी दो का यूज आप कर सकते हो अपने हिसाब से, अपनी आवश्यकता के अनुसार पे, आपके वेब पेज पे कैसी आवश्यकता है उस हिसाब से इसका यूज किया जा सकता है। H1 का जो फॉन्ट का साइज होता है वो सबसे बड़ा होता है, फिर घटते हुए H2 का उससे कम होता है, H3 का उससे कम होगा और H6 का जो साइज होता है वो सबसे कम होता है फॉन्ट का। तो इस हिसाब से आप इसमें यूज कर सकते हो। H1 अपना एक एट्रीब्यूट सकता है जिसका नाम क्या है, अलाइन, जो आपके हेडिंग का अलाइनमेंट सेट करने का काम आता है। इसमें आपको लेफ्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाई चार वैल्यूज मिलती है। तो बाई डिफॉल्ट इसका जो साइज होता है वो होता है लेफ्ट का। अगर आप कुछ नहीं लिखते हो तो ये क्या करेगा, हेडिंग आपको लेफ्ट में ही दिखाएगा। ये होगा आपका हेडिंग टैग। फिर है आपका HR टैग। HR टैग क्या कहता है कि आपके वेब पेज के ऊपर एक हॉरिजॉन्टल रो यानी एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचने के काम आता है, लाइन बनाने के काम में आता है। ये कई एट्रीब्यूट हो सकता है जैसे साइज है, विड्थ है, नो शेड है, अलाइन है, कलर है। तो ये पांच आपके एट्रीब्यूट रखता है। साइज में आपका क्या है कि आपके लाइन की मोटाई बताई जाएगी, विड्थ में लाइन की चौड़ाई दिखेगी और नो शेड में आपका चाहते हो कि आपका जो लाइन का शेडो पीछे बने तब तो आप उसको नहीं लिखोगे, अगर आप चाहते हो नहीं बने तो आप क्या लिखोगे, नो शेड लिखोगे। अलाइन में आप उसका अलाइनमेंट सेट कर सकते हो कि जो आपकी जो रो बने वो कहाँ से शुरू हो, सेंटर से हो, लेफ्ट से हो या राइट से हो। अगर आप कुछ नहीं लिखते हो तो बाई डिफॉल्ट साइज का क्या होता है, लेफ्ट का होता है। कलर, कलर में आप अपने हिसाब से आप कोई भी कलर दे सकते हो, इससे आपका जो लाइन का जो कलर होगा वो उस कलर में आ जाएगा और इसका बाई डिफॉल्ट जो वैल्यू होती है वो होती है ब्लैक होती है। और लास्ट में मैंने बॉडी टैग और HTML टैग मैंने बंद कर दिया। तो आज के वीडियो में मैंने आपको हेडिंग टैग और हॉरिजॉन्टल रो टैग के बारे में मैंने बताया आपको। इस वीडियो में किसी प्रकार की कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।